गर्भावस्था का दूसरा महीना माँ की जीवन के लिए सबसे खास समय होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जिसमें हर होने वाली माँ यह कंफर्म कर पाती है कि हाँ, अब वह माँ बनने वाली है। इस समय बाहर से देखने पर किसी को आप प्रेग्नेंट भी है यह नहीं पता चलेगा, पर अंदर बहुत बड़ा चेंज होने लगता है। माँ के शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रॉन और HCG की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए नौजिया, वॉमिटिंग, पाचन संबंधी समस्याएं भी होने लगती है। मानसिक रूप से भी माँ का सर भारी रहने लग जाता है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लग जाती है। भावनात्मक रूप से भी मूड स्विंग्स होना, कभी कभी बिना बात के ही रोना आ जाना सामान्य सी बात होती है। इसमें माँ को ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शुरुआती दिनों में नौजिया रहना संतान की हेल्थ के लिए अच्छा ही है, साथ ही इसी समय से माँ को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी संतान के शरीर के मुख्य अंग, उनका दिल, उनके लंग्स और उनके ब्रेन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इस महीने की शुरुआत में वह सिर्फ एक अंडे के समान होता है, लेकिन इसी महीने के अंत तक आते आते संतान के चेहरे की आकृति बनने लगती है। उनकी आँख, नाक, कान, हाथ, पैर और तो और उंगलियाँ, यह सब बनने लग जाती है। इसलिए माँ को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय डॉक्टर की पहली विजिट हो ही जानी चाहिए। डॉक्टर उन्हें फॉलिक एसिड, विटामिन, कैल्शियम और आयरन की टैबलेट्स देंगे, जिन्हें लेना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स और दूध, यह सब अब माँ अपने खाने में ज़रूर साथ रखें। और एक और बात याद रखना है कि अब आप और आपकी संतान के बीच की अवल नाल का काम शुरू हो चुका है। अब आप जो भी खाती पीती हैं वह आपकी संतान तक पहुंचता है, इसलिए अगर कोई माता पहले से अल्कोहल या कभी स्मोक करती है तो अब वह बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि यह संतान के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। और एक और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने डॉक्टर की पहली विजिट पर जाए तो अपने बच्चे की धड़कन को सुनना ना भूलिएगा, वह आपके जीवन का सबसे खूबसूरत पल होगा, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अपना ख्याल रखिए और खुशियों का इंतज़ार करिए।